रियलमी नार्जो N53 इस फ़ोन पर अगर आपको डाटा प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे आप डाटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर ऑन करने के बाद भी डाटा नहीं चलता है तो कैसे आप डाटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अगर आपका फ़ोन पर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सेट पर जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, ओपन करना होगा सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स पर मिलेगा आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट, आपको शो हो जाएगा सिम कार्ड SIM 1 SIM 2। जो सिम पर आपका डाटा प्लान है उस सिम को पहले सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका फ़ोन पर दो नंबर सिम कार्ड पर डाटा प्लान है, दो नंबर पर मोबाइल डाटा को आपको ऑन करना होगा। ठीक है, अगर आप एक नंबर पर डाटा प्लान नहीं है, अगर आप एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन पर डाटा नहीं आएगा। अगर आपका फ़ोन पर एक नंबर पर डाटा प्लान नहीं है और अगर आप एक नंबर को सिलेक्ट करके रखेंगे तो आपका फ़ोन पर कोई भी इंटरनेट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपका फ़ोन पर अगर दो सिम कार्ड है, दो सिम कार्ड से जो सिम कार्ड पर डाटा प्लान है उस सिम कार्ड से इंटरनेट को ऑन कीजिए। ठीक है, तो एक कहने के बाद भी अगर आपका फ़ोन पर इंटरनेट वर्क नहीं करता है तो एक ऑप्शंस मिलेगा डाटा रोमिंग। डाटा रोमिंग को आपको ऑन करना होगा, ऑन करने से आपका फ़ोन पर जो डाटा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम सेट पर ये ऑन करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपका सिम दूसरा किसी स्टेट से है और आप दूसरा किसी और किसी स्टेट पर हो तो आप रोमिंग को ऑन कीजिएगा, आपका फ़ोन पर जो रोमिंग का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, जो डाटा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। एक कहने के बाद भी अगर आपका फ़ोन पर डाटा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना होगा, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा वार्निंग एंड लिमिट। अगर आपका फ़ोन पर डाटा लिमिट सेट है तो डाटा लिमिट को आपको ऑफ करना होगा। डाटा लिमिट को ऑफ कीजिए, आपका सेट पर जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। अगर आपका फ़ोन पर 2G सिलेक्ट है, डाटा काम नहीं करेगा तो कम से कम 3G 4G 5G को सिलेक्ट करना होगा। 4G 5G को सिलेक्ट कीजिए, आपका फ़ोन पर डाटा काम करेगा। इस प्रकार 4G को सिलेक्ट कीजिए, आपका फ़ोन पर जो डाटा है वो वर्क करेगा। इस प्रकार डाटा प्रॉब्लम का आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक कहने के बाद अगर यूट्यूब नहीं चलता है, अगर एक कहने के बाद भी आपका फ़ोन पर डाटा नहीं चलता है तो आपका सेट पर आपको चेक करना होगा जो टाइम है। अगर टाइम सही नहीं है, डेट सही नहीं है तो कुछ ऐप्स वर्क नहीं करेगा। जैसे यूट्यूब ओपन नहीं होता है तो कुछ ऐप्स ऐसा है, अगर टाइम सही नहीं है तो वो ऐप्स वर्क नहीं करते हैं। तो आपको चेक करना होगा आपका फ़ोन पर टाइम एंड डेट सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो सिस्टम पर मिलेगा आपको टाइम को सही करने का ऑप्शन, इधर से आप टाइम को सही कर पाएंगे। टाइम को सही करके आपका फ़ोन पर जो डाटा प्रॉब्लम, उस डाटा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये सब करने के बाद भी आपका सेट पर कोई भी डाटा नहीं आ रहा है तो सेट को एक बार नेटवर्क को रिसेट करके दूसरा किसी सिम लगा के आप चेक कीजिए। दूसरा किसी सिम को लगा के आप चेक कीजिए, सिस्टम पर मिलेगा आपको रिसेट ऑप्शंस, रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। आपको नेटवर्क को रिसेट करना होगा, रिसेट करके दूसरा किसी सिम को लगा के आपको चेक करना होगा। दूसरा किसी सिम को लगा के चेक करना पड़ेगा आपका सेट पर डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प हुआ है। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।